वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये है एबजेट एस वर्जन 2। आज इस गाड़ी का सबसे पहले हम लोग टॉप स्पीड देखेंगे, गियर 1, गियर 2, गियर 3 में कैसे जाता है, क्योंकि इस रोड में हम लोग ज़्यादातर फाइनल इसका टॉप स्पीड तो नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इस गाड़ी का हम एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं। ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देख लीजिए। इसका टॉप ये हो गया इस गाड़ी का। अब क्या करना है, अब हम लोग चलते हैं, आप लोग को इस गाड़ी का दिखाते हैं आपको, मतलब कि फर्स्ट गियर सेकंड गियर में कितना गाड़ी जाता है, और इसका दिखा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अभी मोटो ब्लॉक पे। आप ये देख सकते हैं, ये है पहले का, बट अभी जो वर्जन 3 आया है एफजेड एस में, तो उसमें गियर इंडिकेटर शो करता है, बट इसमें गियर इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है अभी। तो अभी जो हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग आपको लोग को दिखाने वाले हैं फर्स्ट गियर में कितना दूर गाड़ी जा सकता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक नंबर गियर पे गाड़ी कितना दूर जाता है। ये एक नंबर पे है, गाड़ी का 43 है। अब सेकंड नंबर गियर लग रहा है गाड़ी में, तो अब देखते हैं गाड़ी का सेकंड नंबर गियर पे टॉप स्पीड कितना है। 65। सेकंड नंबर गियर पे गाड़ी का टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर। अब थर्ड नंबर पे देख रहे हैं गाड़ी कितना जा रहा सकता है। 87 के लगभग। अब गाड़ी का यहाँ पे रोड खत्म हो गया है, तब पर भी आप देख सकते हैं थर्ड नंबर गियर में ही गाड़ी 86-87 के आसपास जा रहा है। तो अभी जो हम लोग टॉप 3 गियर में से तीसरा गियर में गाड़ी का देख सकते थे आप लोग स्पीड 86 किलोमीटर का स्पीड जा सका, क्योंकि अभी हम लोग इधर हाईवे नहीं है, तो हम लोग इसका टॉप स्पीड जब हम लोग हाईवे पे गए थे तो चेक किए 124 का है। अगर आप लोग को अभी भी कहीं पे एबजेट एस वर्जन 2 मिल जाए तो आराम से लीजिए, क्योंकि टॉप गियर में इसका रिफाइनमेंट लेवल एकदम मस्त है, और इसका ग्रिपिंग माइलेज एकदम बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी भी ये 50 अगर गाड़ी कंडीशन में 50 का माइलेज आराम से दे देता है। अभी 45 मिल रहा है। तो अब जो क्या कर सकते हैं, ये गाड़ी में जो वाइब्रेशन बहुत कम है, हम चला के भी देखें टॉप स्पीड में वाइब्रेशन एकदम नहीं के बराबर होता है, आपको गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं होगा। बस जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं पुराना भले है, पर आज के टाइम में भी न्यू मॉडल लगता है, इसमें कुछ कुछ मिसिंग है, जैसे गियर इंडिकेटर आपको नहीं मिल रहा है, बाकी सब चीज़ है, बट आपको कहीं भी सेकेंड हैंड मिल जाए तो एकदम मस्त। और आगे में डिस्क ब्रेक जो है एकदम बढ़िया ड्रम है, आगे में डिस्क ब्रेक है, वाइब्रे का ब्रेक मिल रहा है, जो बढ़िया क्वालिटी का ब्रेक होता है, ब्रेक बहुत मक्खन लगता है इसका अगर गाड़ी सही कंडीशन में रहा तो। और पीछे में ड्रम है, और गाड़ी का अगर कहीं भी आप लोग को अभी मिल रहा है गाड़ी तो आराम से आप लोग ले सकते हैं, एकदम अच्छा कंडीशन में रहे तो आप लोग मॉडिफाई करवा के एकदम चला सकते हैं, मस्त गाड़ी है, जो मजा आ जाएगा आप लोग को चलाने में, कभी निराश नहीं करेगा, स्पीड हो या कुछ हो एकदम फील आ जाता है गाड़ी में आप लोग को। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉक में किसी और गाड़ी के साथ, और गाड़ी का देख। Just don't make me feel when I don't even know. You're right.